नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में 16 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए पहले उन जिलों का नाम बताते हैं जहां पे मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 48 घंटों में भारी बारिश होगी। सबसे पहले नाम आता है भरतपुर, सवाईमाधोपुर, उसके बाद धौलपुर, करौली के साथ साथ कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़, अजमेर और टोंक। यहाँ पर मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले मात्र 48 घंटों के बाद ही भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि 14 अगस्त तक इन जिलों में भारी बारिश की आशंका है और 15 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है। 13 तारीख को बरसात का दौर छुटपुट राजस्थान में शुरू हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान के लिए भी मौसम विभाग ने एक अच्छी खबर दी है। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, इन इलाकों में बारिश की काफ़ी कमी देखी गई है। लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है। इन जिलों में कई स्थानों पर फसल सूखने के कगार पर है, लेकिन अब मौसम विभाग कह रहा है कि यहां पर 16 अगस्त तक अच्छी बरसात की उम्मीद है। वहीं बाड़मेर और जैसलमेर की बात करें तो बाड़मेर और जैसलमेर में भी 15 और 16 अगस्त को हल्की बारिश देखने को मिलेगी। जालौर, सिरोही, इन जिलों में भी मौसम विभाग का कहना है कि कहीं पर हल्की तो कहीं भारी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि 18 अगस्त तक लगभग राजस्थान में अच्छी बारिश की उम्मीद है। हालांकि जो जैसलमेर के कुछ इलाके हैं, पश्चिमी इलाके, वहां पर जो है मौसम शुष्क ही बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो 48 घंटे बाद यानी कि 13 तारीख की रात या 14 तारीख की सुबह से राजस्थान में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। अब की बार हमारी नज़र रहेगी क्या वास्तव में ही मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित होती है या नहीं। इसके लिए हम अब की बार आंकड़े जुटाएंगे कौन से ज़िले में कितनी बारिश हुई और मौसम विभाग की भविष्यवाणी कितनी सत्य हुई, इसको लेकर भी हम 15 तारीख के आसपास एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपका भरोसा और विश्वास बना रहे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान समेत पूरे देश विदेश की कैसी भी खबरें हों हम आप तक सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करते हैं और वह भी सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।